Okay, so here we go about work energy power. And work energy power, the next topic is potential energy of a spring. Somewhat important topic. So, the spring force is an example of variable force which is conservative. Beta, pehli baat. Spring force kaisa hota hai? Variable. And it is conservative. Now try to understand these things. Suppose we have a spring attached with some mass M. And this is the natural length of spring. Let's say it is x equal to 0. मतलब अभी ना स्प्रिंग को खींचा गया है ना कंप्रेस करा गया, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। अब अगर हम इस स्प्रिंग को एक्सटेंड करें, लेट्स से हमने स्प्रिंग को बेटा x जितना एक्सटेंड कर दिया, सो ऑब्वियसली स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी ना, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, एनर्जी स्टोर स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर होगा, राइट? अगर आप इस मास को छोड़ दोगे तो मास किस तरफ जाएगा? ऑब्वियसली इस तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स बन रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या कोशिश कर रहा है? वापस मास को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स, राइट? नाउ वेरी ऑब्वियस, अब जितना ज्यादा स्प्रिंग को खींचोगे उतना ज्यादा ये फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि आप जितना जोर से स्प्रिंग को खींचोगे उतना जोर से वो वापस रिटर्न जाएगा, जाएगा कि नहीं? राइट, सो व्हाट वी कैन से हियर दैट द स्प्रिंग फोर्स, the spring force Fs is directly proportional to displacement. Displacement means elongation ho sakta hai, compression ho sakta hai, that is displacement. And is it in the same direction of displacement or opposite direction? Opposite. Kyunki displace agar is taraf karoge to restoring force is taraf banega, displace agar is taraf karoge to restoring force is taraf banega. Opposite. To yahan pe kya sign lagna hai beta? Negative. So your spring force is directly proportional to minus x. Right, and this is called Hooke's law. What is it called? Hooke's law. This is called Hooke's law for spring. Hooke's law क्या कहता है बेटा? Hooke's law कहता है कि the restoring force produced in a spring, is directly proportional to the displacement and in opposite direction. तो ये हो गया Hooke's law का mathematical form. The spring force is equal to minus proportional to minus x. If I remove the proportionality sign, then that sign is written by k minus kx. What is k? K is called spring constant. K is called spring constant. Will you please tell me what is the unit of the spring constant? Force by meter. That is Newton per meter. Right. If you have a two springs, listen everyone. If you have a two springs and they have a spring constant k1 and k2. Let's say k1 is more than k2. मतलब पहले स्प्रिंग का कांस्टेंट अगर बड़ा है तो जिस स्प्रिंग का कांस्टेंट ज्यादा होता है वो स्प्रिंग को हम कहते हैं स्टिफ, और जो स्प्रिंग का कांस्टेंट कम होता है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट स्प्रिंग मतलब आप उसको आसानी से खींच सकते हो या कंप्रेस कर सकते हो, सॉफ्ट स्प्रिंग। एंड स्टिफ स्प्रिंग का मतलब है उसको खींचना या कंप्रेस करना कंपैरेटिवली मुश्किल है, दैट इज कॉल्ड द स्टिफ स्प्रिंग, राइट? सो वी राइट समथिंग अबाउट द फोर्स कांस्टेंट, बेटा ध्यान यहां पे, वी राइट फोर्स कांस्टेंट। Force constant k is equal to force required to change length of spring by one unit. Length of spring by one unit, right? अगर आपको स्प्रिंग के लेंथ को वन यूनिट जितना खींचना या कंप्रेस करना है तो जितना फोर्स देना पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे? फोर्स कांस्टेंट कहेंगे। क्योंकि फॉर्मूला से आप सिंपल सा देख सकते हो बेटा, k इक्वल टू माइनस एफ बाय एक्स, दैट इज अ स्प्रिंग फोर्स और अ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट इलोंगेशन और कंप्रेशन। अगर एक्स वन यूनिट करना है तो जितना फोर्स देना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के। ओके, व्हाट वी वांट टू फाइंड, द एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी से पहले हमने स्प्रिंग फोर्स का डिस्कशन किया, स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। एग्री एवरीवन? चलिए अब एनर्जी की बात करते हैं। अगर आपको इस स्प्रिंग को थोड़ा सा और खींचना है dx जितना, यू हैव टू डू द वर्क, एंड यू हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स Fs, क्योंकि Fs क्या कोशिश कर रहा है? इसको वापस कंप्रेस कर दिया जाए। तो अगर आपको इसको थोड़ा सा और खींचना है तो आपको इसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा?
और आप इसके अगेंस्ट में जो वर्क करोगे वो सारा क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो वी राइट हियर। चलिए अब एनर्जी स्टोर की बात करते बेटा। लेट्स टेक दिस कलर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन राइट हियर, टू एक्सपांड द स्प्रिंग, to expand the spring by dx further, work must be done against the spring force, okay, against the spring force. So we can write here, work done by spring force. बेटा work done by spring force मैं लिख रहा हूं, work done by spring force. तो work done क्या हो जाएगा आपका, force into displacement. बोला spring force कितना है बेटा, spring force है minus kx into dx. spring force क्या है बेटा, minus kx into dx, राइट। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग का। स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, माइनस केएक्स इनटू डीएक्स, राइट। दिस इज द फोर्स टू चेंज द लेंथ बाय डीएक्स। तो अगर टोटल जीरो से एक्स जितना लेंथ चेंज करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये तो खाली स्मॉल चेंज का डीएक्स का, राइट। तो वी राइट हियर, हेंस टू चेंज लेंथ ऑफ स्प्रिंग, to change the length of spring by x, इधर क्यों आ गया ये, to change the length of spring by x, to change the length of spring by x। चले कितना वर्क करना पड़ेगा, तो बेटा वो स्मॉल वर्क क्या था, माइनस के एक्स डी एक्स। क्या करेंगे इसको, इंटीग्रेट। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे बेटा, जीरो से x। चलिए माइनस के बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। कहां से कहां बेटा, जीरो से एक्स। चलो पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट क्या बेटा, एक्स ही है। लोअर लिमिट क्या है, जीरो, जीरो रख दिया। कितना हो गया बेटा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू। दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, राइट। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कैसा है, नेगेटिव। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव। क्योंकि आपको इतना ही एक्सटर्नल फोर्स से वर्क करवाना पड़ेगा, बिकॉज ये किसका फोर्स है, किसका वर्क है, स्प्रिंग का, जो नेगेटिव आया है। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क करेगा, हैंस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू प्लस के एक्स स्क्वायर बाई टू। ये वर्क डन कहां जाएगा, स्प्रिंग अपने अंदर स्टोर कर लेगा। आपने जो भी वर्क करा है वो स्प्रिंग क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा, विच इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, विच इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का, हाफ के एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में, कोई धार नहीं मारनी है, खाली पहले क्या लिखना है कि स्प्रिंग अगर है तो स्प्रिंग को आप जितना खींचोगे स्प्रिंग के अंदर फोर्स बनेगा, और वो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना आपने स्प्रिंग को खींचा। जितना ज्यादा स्प्रिंग को खींचोगे उतना ज्यादा जोर से वापस वो रिटर्न जाएगा, राइट। तो स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। सो क्या आ गया आपके पास, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट। इसे क्या कहेंगे, हुक्स लॉ। अब वर्क कितना होगा, ओ बाप रे, बहुत जोर से हाथ लगा इसको। अब वर्क कितना होगा, तो बेटा फोर्स दिया है आपको, फोर्स कैसा है, वेरिएबल, बिकॉज फोर्स डिपेंड ऑन एक्स, एक्स के साथ ये फोर्स चेंज होगा, तो ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके, आ गया ना। तो ये फोर्स को क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेट। चलो ये फोर्स आपका आ गया, चलो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, माइनस के एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग,
ये खाली किसका वर्क है, dx का। अगर टोटल आपको x जितना खींचना है तो कितना वर्क होगा, इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट। जैसे इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट द वर्क डन बाय स्प्रिंग जो नेगेटिव है, इतना ही वर्क हमें पॉजिटिव देना पड़ेगा और वो जो भी हम वर्क देंगे हाफ के एक्स स्क्वायर वो स्प्रिंग अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो अगर आपको इसके सिंपल से स्टेप्स चाहिए ना याद रखने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, तो बेटा सिंपल से स्टेप्स क्या है इसके, इसके स्टेप्स है स्प्रिंग फोर्स क्या होता है बेटा माइनस के एक्स, सेकेंड वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या करेंगे इसको हम इंटीग्रेट, क्या जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी स्टोर करेगा कितना हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर बाई टू। इतना करना है आपको, बोलो कर सकते हो अगर आता है तो। चलो इससे ग्राफ कैसा दिखेगा वो देखते हैं, ग्राफ ऑफ एफ वर्सेस एक्स, ग्राफ ऑफ एफ वर्सेस एक्स। अब देखो बेटा यहां पे दोनों का साइन सेम होगा, दोनों प्लस प्लस होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहां पे दोनों माइनस माइनस होंगे थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपको पता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, मतलब दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस नहीं आएंगे, अगर एक प्लस आएगा तो दूसरा माइनस आएगा, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा होगा या तो सेकंड या तो फोर्थ। एंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, सो योर ग्राफ विल बी लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ फोर्स एफ, ऐसे आपका फोर्स आएगा। देखो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा बट नेगेटिव में। अगर एक्स पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो फोर्स कहां बढ़ रहा है, नेगेटिव में। अगर एक्स नेगेटिव में बढ़ रहा है तो फोर्स कहां बढ़ रहा है, पॉजिटिव में। समझ आया, ग्राफ को थर्ड क्वार्टर में बनाया वो, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे है अपोजिट है। अब इसके नीचे जो एरिया कवर होगा बेटा, इसके नीचे जो एरिया कवर होगा ना, ये दिस एरिया इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड यू, ये एरिया ही क्या है बेटा, एनर्जी स्टोर्ड है। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, टेल मी व्हाट विल बी द एरिया। ये क्या है आपका एफ, ये क्या है आपका एक्स, एरिया क्या बनता है ग्राफ का बताओ। चलो ट्राइंगल है ना, तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाई। प्लीज टेल मी व्हाट इज द फोर्स फॉर्मूला के एक्स, मैं नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहा हूं बेटा, क्या हो गया हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, क्या होता है ये एनर्जी बना ना फॉर्मूला, एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एफ इक्वल टू के एक्स एंड वी गेट हाफ इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, 3 मार्क के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, राइट। इतने स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स हुक्स लॉ, फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग मिलेगा, उतना ही वर्क अगर प्लस कर देंगे तो उतनी एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी। कर सकते हो ऐसा, लिखोगे एग्जाम में, देखेंगे क्या लिखोगे। ओके चलिए, कोई बस आती नहीं आज, आज विसर्जन है, विसर्जन के दिन कोई बस नहीं आती है, सारी बस सर्विस बंद है, टेम्पो आता है, तुमको आज टेम्पो में बैठ के जाना पड़ेगा। एक बार मैं विसर्जन में गया था टेम्पो में बैठ के, तो मतलब हमारे सोसाइटी में ना हमारी जो कंपनी है वो गणपति नहीं लाती, तो एक और कंपनी गणपति लाती है, तो मेरे कुछ दोस्त थे वो उनके साथ जाते थे हर बार विसर्जन में, तो उस साल मैं भी जुड़ गया, 2012-13 की बात थी, 12-13 ऐसी कोई बात होगी, तो उस साल मैं भी जुड़ गया। अब ऐसा होता है ना कि आप किसी नए ग्रुप में जाते हो ना तो यू आर नॉट वेलकम ऑल द टाइम, तो हम टेम्पो में चढ़ते गए तो वो ऐसे देख रहे थे सब लोग, ये कौन चढ़ गया हमारे टेम्पो में, ये वो, वैसे मैं जानता था तो भी ऐसा होता है थोड़ा बहुत। तो ऐसा हुआ कि बीच में ना एक जगह पे टेम्पो ने जोर से ब्रेक मारी ना, तो मैं मेरे दोस्त के ऊपर गिरा, मेरा दोस्त गिरा मूर्ति के ऊपर, फिर हमको उतार दिया गया। फिर हम चलते 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 घर आए, और क्या। वो आखिरी बार टेम्पो में चढ़ के गया था, उसके बाद मैं कभी नहीं गया विसर्जन में। चलो, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेटा ये देखो, ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसा आपने अभी सीखा, दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व होती है जब फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब ऐसा फोर्स जहां पे कोई एनर्जी लॉस ना हो। पर प्रैक्टिकल सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे वेज है जिसमें एनर्जी लॉस होती है, हीट के फॉर्म में, राइट, साउंड के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, ये हर फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। तो अगर आप जनरल सिनारियो देखोगे ना, जनरल सिनारियो, देन टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। यूनिवर्स का टोटल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। आप छोटे से तब से एक बात पढ़ते आ रहे हो, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी जो आपने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल में खाली दो ही एनर्जी होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और ये दोनों का टोटल तब कंजर्व होता है जब फोर्सेस कैसे हो, कंजर्वेटिव, राइट। चलो पहला एनर्जी का फॉर्म क्या बेटा, हीट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन अ रफ सरफेस इज लॉस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, एज ऑब्वियस, राइट। अगर आप कोई बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कराओगे देन दे विल हैव अ फ्रिक्शन फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हीट इज जनरेटेड। प्रैक्टिकली ऐसे हाथ को घिसो आपको हीट फील होगी, हो रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट लॉस्ट, फ्रिक्शन का वर्क लॉस नहीं हो रहा है, पर फ्रिक्शन का वर्क हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर एटमोस्फियर में उड़ जा रहा है, इट इज नॉट लॉस्ट, बट इट ट्रांसफर्ड एज अ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या करेगा, हीट एनर्जी विल रेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ओवर द ईच अदर। इंटरनल एनर्जी मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ा देगा हीट एनर्जी। इन अ विंटर इन ऑर्डर टू फील वार्म वी जनरेट हीट बाय विगरसली रबिंग अवर पाम्स टुगेदर। अ क्वांटिटेटिव आइडिया ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज ऑब्टेन बाय नोटिंग दैट 1 kg ऑफ वाटर रिलीज इज अबाउट 42,000 joule ऑफ एनर्जी व्हेन इट इज कूल्ड बाय 10 degrees Celsius। कितना पानी, 1 kilo पानी, 1 kg पानी को अगर आप 10 डिग्री ठंडा करोगे तो वो कितना एनर्जी निकालेगा अपने में से, 42,000 joule। अब इसका एक सिंपल फॉर्मूला है बेटा हीट का, हीट का सिंपल फॉर्मूला क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। व्हाट इज एम, एम इज मास, डेल्टा टी, व्हाट इज सी, सी इज स्पेसिफिक हीट, सी होता है बेटा स्पेसिफिक हीट, एंड डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो देखो मैं बताता हूं आपको, पानी के लिए स्पेसिफिक हीट होता है 4.2, पानी का स्पेसिफिक हीट है 4.2 joule per gram degree Celsius, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये पानी के लिए है। लेट्स पुट द डेटा हियर, पानी कितना एनर्जी छोड़ेगा, कितना पानी लिया था, 1 kg, ग्राम में कितना होता है 1000, स्पेसिफिक हीट कितना है 4.2, और टेम्परेचर कितना चेंज किया 10, कितना हो गया ये 42,000। तो इतना एनर्जी पानी लॉस करेगा अगर आप 1 kg पानी को 10 डिग्री जितना ठंडा करोगे, तो इतना एनर्जी वो छोड़ेगा 42,000 joule। तो बेटा पहले फॉर्म ऑफ हीट हो गया, पहली फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, दैट इज हीट एनर्जी नॉर्मली प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन। केमिकल एनर्जी, चलिए आप कोई भी फ्यूल यूज करते हो, वट एवर इट इज, पेट्रोल हो, डीजल हो, कैरोसिन हो, कुछ भी हो, ऑल द फ्यूल हैज एनर्जी ड्यू टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर। जब भी आप किसी फ्यूल को जलाओगे वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते ही बहुत सारी एनर्जी वो रिलीज करेगा। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ द बॉम्ब, बॉम्ब ऑल्सो स्टोर एनर्जी ड्यू टू द केमिकल एनर्जी, और जैसे आप उस बॉम्ब को एक्सप्लोर करोगे केमिकल एनर्जी विल कन्वर्ट एज अ हीट, लाइट एंड साउंड। सी मोलेक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन हैव अ डिफरेंट बाइंडिंग एनर्जी, अ स्टेबल केमिकल कंपाउंड हैज लेस एनर्जी दैट द सेपरेट पार्ट। यू नो दिस कि जितना एनर्जी कम रहेगा उतना कंपाउंड कैसा होगा, स्टेबल होगा, है ना, जितना एनर्जी आप कम करोगे उतना कंपाउंड कैसा होगा, स्टेबल होगा। केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम का रीअरेंजमेंट। इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट
is more than the product of the reaction. Heat is released and the reaction is said to be an exothermic reaction. Let's say you have some reactant and from there you are getting the product. Suppose reactant ka energy tha 400 joule aur reaction hone ke baad product ka energy hai khali 200 joule. So baki 200 joule kahan gaya? It is emitted in form of energy. Right, to agar product ka energy kam ho raha hai to baki energy release ho jayegi and the reaction is exothermic. Yahan pe heat release hota hai. Coal consists of carbon and 1 kg of coal. 1 kg coal ko agar aap jalate ho na koile ko kitna energy release hota hai? 3 into 10 power 7 joule. 1 kg coal mein se kitna energy release hota hai? 3 into 10 power 7 joule. Chalo, next is electrical energy. Energy due to flow of electron, jo aap har jagah pe use karte ho, everywhere you use electric energy, right? The flow of electric current, flow of electric current causes bulb to glow, fan to rotate and bell to ring. Energy is associated with electric current. You have learned this formula, na? Heat equal to I square RT. So that's the energy. An urban Indian household consume around 200 joule of energy per second. Normal ghar mein ek second mein kitna energy use ho jata hai? 200 joule. Equivalence of mass and energy. Einstein yaad hai sabko? E equal to mc square. Einstein kya kehta hai ki agar chemical reaction mein kuch bhi mass ka defect aata hai, munna sun. If it is R to be, let's say, hey, suppose a reactant ka mass tha, suno, suppose a reactant ka mass tha 0.0001 gram. Just for example, reactant ka mass kya tha 0.0001 gram. Product bana, suppose product ka mass is 0.00009 gram. Itna product ka mass hai. So kitne mass mein garbadai? 0.0001. तो यहाँ पे मास में कितना डिफेक्ट आया? 0.00001. क्या एक तो वाह, इसमें से इसको माइनस करो 0.00001 आया, एक जीरो यहाँ पे ज्यादा है. तो बेटा इतने मास में गड़बड़ है, कैन आई राइट इट 1 × 10⁻⁶ ग्राम? इतने मास में गड़बड़ है, क्या फर्क पड़ जाएगा? इतने मास से कितना एनर्जी निकलेगा वो देखो. कितना मास है 10⁻⁶ ग्राम में? कन्वर्ट दिस टू केजी, केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये ग्राम है. केजी में कितना हो जाएगा? 10⁻³. ये हो गया बेटा मास का डिफेक्ट. स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ डू स्क्वायर ऑफ इट. 10⁻³, 9 × 10⁻⁶. कुछ ज्यादा नहीं, खाली इतना एनर्जी निकलेगा. 9 × 10⁻³ जूल. बस 9 के बाद 13 मिनट उतना एनर्जी निकलेगा अगर अगर मास में अगर इतना डिफेक्ट आए तो. मास में अगर इतना डिफेक्ट आए ना तो इतना एनर्जी छोड़ेगा वो. एंड नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में जनरली मास में डिफेक्ट नहीं आता है. मास में डिफेक्ट आता है न्यूक्लियर रिएक्शन में. जब न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है तब मास में डिफेक्ट आता है. वहां पे हमेशा रिएजेंट के कंपेयर में प्रोडक्ट का मास थोड़ा सा कम हो जाता है और जितना मास कम हुआ है वो सारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एमसी स्क्वायर. सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. तो न्यूक्लियर एनर्जी बेटा दो तरह की होती है. एक होता है न्यूक्लियर फिशन. फिशन में हम क्या करते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और उस बड़े न्यूक्लियस को हम तोड़ते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियस में. जनरली हम यूरेनियम यूज करते हैं 235. तो उसको तोड़ के हम छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं एंड इट इज फाउंड दैट ये सबका मास मिला दोगे ना तो देयर मास इज लिटल लेस देन द मास ऑफ दिस. मास इज लिटल लेस देन पेरेंट न्यूक्लियस. मास इज लिटल लेस देन पेरेंट न्यूक्ली. तो जो भी मास में डिफरेंस आया कहां गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियर फिशन. तो हमारे जितने भी रिएक्टर्स है वो सारे रिएक्टर
ऑपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर फिशन, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी पानी को देकर स्टीम बनाया जाता है, स्टीम क्या करता है टरबाइन को घुमाता है एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, राइट। दूसरा होता है फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में बेटा छोटे छोटे पार्टिकल कंबाइन होके एक बड़ा सा पार्टिकल बनाता है। और यहां भी आप देखोगे कि इसका मास इन सबके मास से थोड़ा सा कम हो जाता है, और जो मास कम हुआ वो कहां गया? एनर्जी में गया, सेम थिंग। ये रिएक्शन होता है सन के अंदर। सन में क्या होता है? सन में चार हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके एक हीलियम एटम बनाते हैं, और साथ में बहुत जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है। सो सन इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, जहां पे चार हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनाते हैं। ओके, चलो लास्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। बेटा अब आया टोटल एनर्जी, मीन्स ब्रह्मांड का टोटल एनर्जी। ब्रह्मांड का टोटल एनर्जी कभी चेंज होता नहीं है, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगर यूनिवर्स के किसी पार्ट ने एनर्जी लॉस करी है तो दूसरा पार्ट वही एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा। टोटल एनर्जी कभी चेंज होती नहीं है। जैसा दो अलग अलग चीजें, एक था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में खाली फोर्स कैसे चाहिए? कंजर्वेटिव चाहिए। और मैकेनिकल एनर्जी में खाली कौन सा एनर्जी होती है? काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और कुछ नहीं होता है। ये जनरल केस है जहां पे पूरे ब्रह्मांड का टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी में काइनेटिक भी आएगा, पोटेंशियल भी आएगा, हीट भी आएगा, केमिकल भी आएगा, लाइट भी आएगा, साउंड एनर्जी भी आएगा, तो इन सबको मिला के टोटल हमेशा कैसा रहता है? कॉन्स्टेंट। अगर आप किसी बॉम्ब को एक्सप्लोड करोगे तो बॉम्ब में एनर्जी किस फॉर्म में होगी? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे आप एक्सप्लोड करोगे उसकी एनर्जी हीट बनेगी, लाइट बनेगी एंड साउंड बनेगी, और पार्टिकल उड़ेंगे भी, दैट मीन्स काइनेटिक भी होगा। तो आप इस सारी एनर्जी को जोड़ोगे देन यू विल गेट द एनर्जी ऑफ बॉम्ब जो पहले केमिकल के फॉर्म में थी। स्टेटमेंट इज एनर्जी मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट द टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। देखो वापस आया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व व्हेन व्हेन द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। मतलब यहां कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। बट इन जनरल केस इफ सम ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्वड आर नॉन कंजर्वेटिव, अगर फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव है तो कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में उड़ेगा, लाइट के फॉर्म में उड़ेगा, साउंड के फॉर्म में भी उड़ेगा। तो इन दैट केस वी हैव टू कंसिडर ऑल द एनर्जी। सिंस द यूनिवर्स एज अ होल मे बी व्यूड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। और यहां पे होता है आज का ये लेक्चर समाप्त। कल हम थियरीज कंप्लीट करेंगे और न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे कल के क्लास में। और कल का आपका समय रहेगा 8:15 तक, 8:15 तक का आपका कल क्लास चलेगा। थैंक यू सो मच। एक मिनट, कल तो सैटरडे है ना, मुझे आज संडे वाली फीलिंग आ रही है इसलिए। कल तो 4:30 को आपको आना है, राइट? नो चेंज टुमारो।